लक्ष्य है 151 सर्व जाति कन्या विवाह सम्मेलन कुछ ही दिन बाद ये कराने पर्वोत्सागर दर्शन माता प्रेम माता दरबार की कृपा से इस प्रांगण में होने जा रहा है। आइए इनसे जानते हैं गणतंत्र दिवस के हर भी है इस अंदाज में किस प्रकार शुभकामनाएं सभी नगर वासियों को दी जाए। मंसल माता दल के ओर से सभी को पूर्ण नगर वासियों के सभी क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मुकेश कुशवाहा मंसल माता माँ के दल की तरफ से सभी भक्तगणों को माँ के दल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अरविंद कुशवाहा सभी नगर वासियों एवं क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायकुवार क्या ग्राम पंचायत तारोमुन्ना माँ के दल की तरफ से सभी ग्राम वासियों को नगर वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है? मैं राजकुमार कुशवाहा कमेटी कोषाध्यक्ष हमारी तरफ से सभी नगर एवं क्षेत्र एवं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या नाम है? सुरेश कुशवाहा माँ का दल अध्यक्ष सभी नगर वासियों क्षेत्रवासियों को देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। महाराज देखा जाए जो आप विवाह कन्या सम्मेलन कराने जा रहे हो ये कौन सा वहाँ है और कौन कौन से यहाँ पे मुख्य अतिथि आएंगे कहाँ कहाँ से लोग राजनीतिक दल आएंगे? सभी पार्टियों के आएंगे विधायक जी भी आएंगे सांसद जी भी आएंगे सभी पार्टियों के नेता भी आएंगे मुख्य अतिथि। कब है कार्यक्रम कितने लोगों की आशंका होगी यहाँ पे कार्यक्रम में? 11 मार्च को कितने जोड़ों को आप कराने जा रहे हो? 151 ये पाँचवीं बार है? ये पाँचवीं बार है और 2017 से 2050 तक 151 विवाह हर शिवरात्रि को कराया जाए। क्या आपका उद्देश्य है आखिरकार क्यों ये क्या है आपका उद्देश्य? कन्याओं का विवाह है जो गरीब इंसान होते हैं वो अपने घर पे वो नहीं कर पाते हैं वो सम्मेलन में होके कर लेते हैं और शादी भी संपन्न उनकी अच्छी हो जाती है इस वजह से ये उद्देश्य है हमारा। मंसल माता की कितनी कृपा है यहाँ के श्रद्धालुओं पर? बहुत जो भी माता की अपार कृपा है मंसल माता की इस नगर एवं क्षेत्र वासियों पर बड़ी अपार कृपा है और माता रानी की कृपा से सभी भक्तों के यहाँ पर मन की इच्छा जो मांगने आते हैं सभी के पूर्ण कार्य होते हैं और माता की ऐसी सभी पर कृपा है।